गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको डिएक्शन ऐप में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप लोग जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर देखिएगा कि डिएक्शन ऐप यूँ खोलेंगे आप। खोलने के बाद टर्म एंड कंडीशन है, रूल एंड रेगुलेशन है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। डिएक्शन कंपनी में अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हम अच्छे पोस्ट तक पहुँचें, ये देख रहे हैं इंग्लिश में है सब, तो जब यूँ उस तरीके से आप खोलेंगे तो आपको ये सारी रूल नियम कानून आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये प्लीज़ जानते हैं तो माशाल्लाह वो तो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे इस चीज़ को कि इसमें क्या क्या बताया गया है, ठीक है। और नहीं जानते तो उसका भी एक तरीका है मेरे पास। जैसे कोई इंसान इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो उनसे आप कहेंगे कि आप इसको ज़रा पढ़ के सुनाइए, समझ गए ना, तो बहुत ही बेहतरीन बातें हैं। इसी की मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। डिएक्शन किसी भी समय यह अधिकार रखता है और समय समय पर उसे नोटिस या बंद करने अस्थाई रूप से या अस्थाई रूप से, है ना, ये बंद भी कर सकते हैं हमारे आईडी को, ये अपना अधिकार रखता है। डिएक्शन ई वर्ल्ड या उसके किसी भी भाग को नोटिस के साथ रखता है, मतलब जो रूल नियम है उस नियम के मुताबिक अगर हम काम करते हैं तो बहुत अच्छा, उसके खिलाफ अगर चलते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। और बाहरी प्रबंधन से उचित अनुमोदन पर 3.5 इस तरीके से दिया हुआ होता है। इसका शब्दों में बहाली का कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये कहने का ये था कि अगर आप अपना कंपनी या आप जैसे डिएक्शन में जुड़े हैं, आप अपने नाम से नहीं कराना चाहते, अपने कोई निजी कंपनी है, एनजीओ है, है ना, उसके नाम पे भी आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी खोल सकते हैं। आप ये ऑनलाइन भी आप आईडी खोल सकते हैं। डीसीएन के साथ वितरण जीवन भर के लिए है और डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी वार्षिक नवीकरण आवश्यक नहीं है, मतलब एक बार आप अगर इसमें जुड़ गए तो पूरी लाइफ के लिए, हमेशा के लिए हो गए। मगर कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? ये ज़रूरी है कि वितरक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक व्यक्तिगत खरीद लेन देन की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत खरीद लेन देन का संबंध डिएक्शन उत्पादों को पीवी से खरीदा जाना है, जो कि वितरक में की गई राशि की परवाह के बिना होता है। मतलब शॉर्टकट में बताता हूँ, आपको साल में एक बार 1000 पॉइंट का माल सामान खरीदना है, तब आपका जो आईडी है एक्टिव रहेगा, वरना एक्सपायर हो जाता है, ये समझ गए ना। और अगर हर महीने कुछ ना कुछ लेते रहें, 1000 पॉइंट लेने के बाद हर महीने लेते रहेंगे तो इससे होगा आपका आईडी एक्टिव रहेगा। देखिए और कुछ मैं आपको बता देता हूँ डिएक्शन कंपनी और है कि जब हम डिएक्शन में अपना आईडी लगाते हैं तो ना उसी के बारे में बता रहे हैं कि डिएक्शन में स्वागत है, यहाँ आप नए डिएक्शन वितरक के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं, समझे ना। कृपया ये सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई है जानकारी सही है, कृपया पंजीकरण विवरण भरने के लिए कुछ मिनट लें। मतलब जब भी ये फार्म भरें डिएक्शन का तो उसमें ज़रूर पढ़ लीजिए। आपके वितरण और पुरस्कार से संबंधित सभी भावी पत्राचार के लिए ईमेल पता उपयोग किया जाएगा। बताता है कि वितरक को ध्यान में रखना चाहिए, वितरक को पता होना चाहिए आवेदक सम्मित किए गए जाने के बाद वितरक को डिफ़ॉल्ट प्रायोजक यानी आईडी के अलावा, है ना, प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता, मैंने बदला नहीं जा सकता। यदि आप पहले से ही इस पंजीकरण के पहले डीसीएन में पंजीकृत हैं, अगर ये सक्रिय है तो ये पंजीकरण अवैध हो जाएगा और इस वितरकशिप के तहत किए गए सभी कार्य पहले पंजीकृत डिस्ट्रीब्यूटर कोड को वापस स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। इस पद्धति से आप वितरक पंजीकरण ऑनलाइन और किट का संवर्धन प्रबंधन समूह की बिक्री रिपोर्ट अपने ई पॉइंट एवं बोनस सूचना की जांच नवीनतम समाचार प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपका अगर ऑनलाइन एक आईडी लगा हुआ है तो आप दूसरी आईडी कभी मत लगाइएगा। और उम्र इसमें 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लिए ही आप इसको कर सकते हैं, क्या आईडी लगा सकते हैं। और एक डिएक्शन ई वर्ल्ड पे भी आप जाके देख सकते हैं। डिएक्शन ई वर्ल्ड आप कैसे खोलेंगे, देखिए आप पहले गूगल पे भी लिखेंगे आप dxn.com, उसके बाद यहाँ पे आप आइए, है ना, इस तरीके से ये आपके खुल गए। देखिए तो इसमें आप जाएंगे अपना लॉगिन में, लॉगिन जब आप करेंगे 0281
0281। अगर आपने फर्स्ट बार लॉगिन किया है तो नीचे जाएंगे, ईमेल आईडी वगैरह सब मांगेंगे जो भर दीजिएगा। इसमें भी आप माई परचेज एक्टिविटी, अगर आपको 12 महीने का देखना हो कि किस किस महीने में हमारा कितने पॉइंट आए है ना, कितने चढ़ाए गए, ये सारा चीज़ देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 12 महीनों का है। हाँ देखिए, सबसे पहले नंबर में फरवरी, फरवरी दिख रहा है 2019, जनवरी 2019, दिसंबर 18, नवंबर 18, इस तरीके से आप मार्च तक देख सकते हैं, यानी 12 महीने हो गए आपके। और एक महीने लेट आएगा इसमें, अभी फरवरी का दिख रहा है, मार्च का अप्रैल में आएंगे, ठीक है। तो कितने कितने पॉइंट किस किस महीने में बनाए गए वो आप इसमें देख सकते हैं, कौन कौन किसके आईडी कहाँ है, कितने पॉइंट हुए हैं, सारा इसमें आप देख सकते हैं आप। तो कैसे कैसे हमने देखा, एक बार मैं पीछे जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आएंगे माई परचेज एक्टिविटी है ना, उसके बाद प्रमोशन है, ट्रेवल वगैरह वगैरह है। अब स्पॉन्सर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको एक वेलकम दिखाई देगा, वेलकम टू डीएक्शन है ना, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उसका कुछ ये इंग्लिश में है, नियम कानून है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते जानते हैं तो यू डिक्शनरी डाउनलोड करके इसको कॉपी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको पढ़ना है तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अभी आ जाएगा, हम किसी अपने जिस लैंग्वेज में कर रखे हैं उसी लैंग्वेज में आएंगे। मैंने हिंदी कर रखा है, इसमें लिखा है समझौता स्वागत डी एक्शन में, यहाँ आप नए डी एक्शन वितरक के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं, कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान की गई जानकारी सही है, कृपया पंजीकरण विवरण भरने के लिए कुछ मिनट लें, आपके वितरण पुरस्कार से संबंधित सभी भावी पत्राचार के लिए ईमेल पता का उपयोग किया जाएगा, अंग वितरक को ध्यान में रखना चाहिए, वितरक को चाहिए। देखिए इतना मैंने कॉपी किया और पढ़ ली, इस तरीके से आप सारे को ही पढ़ सकते हैं। यू डिक्शनरी को आप डाउनलोड करके रखिए, और कोई भी लैंग्वेज कोई सा भी है इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। और जब आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको काम करना बिजनेस करना आसान हो जाएगा। मैं एक बात और बताता हूँ आप लोगों को, डी एक्शन जैसा प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, समझ गए ना। इसका उद्देश्य हेल्थ को सही रखना, ना कि इसका पैसा कमाने का मकसद है ना। जब एक इंसान बीमारी से बचेगा और हर चीज़ से परहेज करेगा तो हॉस्पिटल क्यों जाएगा, डॉक्टर पास क्यों जाएगा वो, है ना। इसी तरीके से जब इसका उद्देश्य यही था कि हमें लोगों को स्वस्थ रखना है तो उनका फोकस होगा ऐसी प्रोडक्ट बेचने पे जो इंसान को फ़ायदा दे। अगर एक आदमी बिजनेस के रूप में आता है कि मुझे तो पैसा कमाना है, तो उसका प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं होगा, ऑर्गेनिक क्वालिटी वगैरह 100% सेफ वाला नहीं होगा इनका। उनका मकसद होगा जितनी ज़्यादा ज़्यादा हम लाभ ले सकें, है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत सारे हैं, 400-400, 300-300, 500-500 प्रोडक्ट, 1000-1000 प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है। उसको पता है वो खुद तो बनाता नहीं है, जहाँ से पहले से बनता उससे कॉन्ट्रैक्ट किया अपना और अपना लेवल लगा के अपना माल बनवा लिया, क्वालिटी कैसी नहीं है उससे मतलब नहीं है। तो डी एक्शन का यूनिक प्रोडक्ट होने की वजह से ये धीरे धीरे नंबर वन पे जा रहा है, और बहुत बहुत ये आज मैं बोल रहा हूँ बहुत जल्द ये नंबर वन पे आ जाएगा। उसके बाद जब आप कहेंगे सज्जाद अंसारी आप सही कह रहे थे सर, 2019 में आप बोल रहे थे और इस साल में वो नंबर वन हो गए पूरे वर्ल्ड में, सेलिंग में भी और कई चीज़ों में, अभी भी कई चीज़ों नंबर वन है हमारा डी एक्शन। एक तो वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो सिस्टम है किसी के पास नहीं है, गैनोडर्मा 6-in-1 गैनोडर्मा ये किसी के पास नहीं है। सबसे ज़्यादा मुल्कों तक पहुँचने वाला डी एक्शन कंपनी नंबर वन है, कोई इतनी मुल्कों में नहीं पहुँचा, कम इतने कम समय में नहीं पहुँचा, समझ गए ना। और 150-150 साल पुरानी कंपनियाँ हो गई बहुत सारी जो नहीं पहुँच पाया अभी तक। अच्छा एक और चीज़ में नंबर वन है, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है इनके पास कंज्यूमर में। अब आप सोच लीजिए इतनी चीज़ों नंबर वन है, सिर्फ एक चीज़ में नंबर वन होना बाकी है, सिर्फ एक चीज़ में, वो है सेलिंग, यानी सेल होने में, है ना। सेल जिस दिन सबसे ज़्यादा होगा तो इनको कई चीज़ों में इनको खिताब मिलेगा कि ये डी एक्शन इस लाइन में भी नंबर वन है, इस लाइन में नंबर वन, इस लाइन में भी नंबर वन है, और सबसे फास्ट पूरे वर्ल्ड में छाने वाला भी नंबर वन है। तो जब हमारा सिस्टम भी नंबर वन है, प्रोडक्ट भी नंबर वन है, तो हम मेहनत भी हमें नंबर वन करना चाहिए। मेहनत करेंगे नहीं और कहेंगे क्या यार हमें पैसे तो आता नहीं है, ठीक है यही कहेंगे आप, पैसे तो आता नहीं है। पर पैसे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा ज़्यादा हो प्रोडक्ट बेचो और लोगों को टीम बनाओ, उतने पैसा दबा के आएंगे पैसे और 100% आएंगे। जो पहले से लगे हुए हैं आज देखो लाखों नहीं करोड़ों में आ रहे हैं, महीने का करोड़ों की इनकम है, लाख तो बहुत ही मिनिमम है, मतलब लाख वाले तो गिनते ही नहीं अब, समझ गए ना।
और 1000-2000 तो ऐसे कितने हैं कंज्यूमर है समझोगे। तो मैं यही कहूँगा इस कंपनी की जो प्रोडक्ट है आपको बेधड़क खाना है, किसी को भी खिला दो, स्वस्थ हो चाहे बीमार हो, समझे ना। आप बेझिझक लोगों को दीजिए, जो चाहे आप दे सकते हैं, फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कभी करेगा ही नहीं, ओके। और ज़्यादातर ऐसे लोगों को फोकस कीजिए आप लोग जो बीमार होना नहीं चाहता। नंबर दो, जो भविष्य अपना मुस्तकबिल फ्यूचर अच्छा बनाना चाहता है, ऐसे दो लोगों को तलाश कीजिए। और जो बेचारे बीमार हैं वो काम क्या करेंगे, उनको तो इसका प्रोडक्ट दीजिए, वो खाएंगे स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। काम करने वाला दो ही बंदा होगा आपके पास, नंबर एक, या तो वो ऐसा बंदा होगा जो काम ढूंढ रहा होगा, पैसे चाहिए उनको, दूसरा वो इंसान जो बीमार नहीं होना चाहता क्योंकि वो मेहनत मजदूरी कर रहा है और आगे उनको बहुत कुछ काम करना है, इसलिए वो बीमार नहीं होना चाहेगा, इसलिए उनको दीजिए डी एक्शन के ऋषि गैनो टी दीजिए, फूड सप्लीमेंट दीजिए ताकि खाएं और वो बीमार ना हो। ऐसे लोगों को हमें तलाश करना है, ठीक है। तो डी एक्शन का ई पॉइंट बोनस वगैरह वगैरह ये सिस्टम बता दिया हूँ, आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छी जानकारी है। थैंक यू, शुक्रिया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।